उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2024 में लगने वाले माघ मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने साधु संतों के साथ संगम इलाके में पूजा पाठ करके माघ मेले के सकुशल संपन्न होने की मां गंगा से कामना की। आपको बता दें, इस बार का माघ मेला जो लग रहा है वह 2025 के कुंभ को लेकर एक रिहर्सल की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि 2025 में महाकुंभ लगने वाला है। उसी को लेकर 2024 में इसकी पूरी तैयारी पहले से ही की जा रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस बार मेले में कुछ नई तकनीकी पहलुओं पर भी काम किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और साधु संतों को किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। इस बार का माघ मेला पॉलीथीन मुक्त किया जाएगा और सभी साधु संतों से भी प्रशासन की तरफ से आग्रह किया गया है कि पॉलीथीन का प्रयोग कतई न होने दिया जाए, जिससे माघ मेले क्षेत्र में सफाई बनी रहे। प्रयागराज के कमिश्नर का कहना है कि इस बार हम लोग नए तरीके से बिजली के कुछ कनेक्शन भी देंगे और कुछ सोलर पैनल भी लगवाए जाएंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई हानि किसी को ना पहुँचे, ना ही शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई आगजनी हो जिससे कई तंबुओं में आग लग जाते हैं, ऐसा पहले हो चुका है। जी, आज गंगा पूजन के साथ सारी व्यवस्थाएं औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गई हैं, और चूंकि यहां पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु, दर्शनार्थी और कल्पवासी स्नानार्थी आते हैं, तो एक सुरक्षा के व्यापक योजना तैयार की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम सारे श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन दे दें। जो कल्पवासी और जितने भी लोग इस माघ मेला क्षेत्र में, जो लगभग 750 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, यहाँ पर जब वो प्रवास करें तो हम उनको सुरक्षित प्रवास दे दें, और जब जल में वो डुबकी लगाएं तो हम उनको सुरक्षित स्नान दे दें। इसके लिए एक वृहद योजना तैयार की गई है, जिसके लिए 14 अस्थायी थानों का निर्माण किया गया है, 41 चौकियाँ प्रस्तावित की गई हैं, साथ ही साथ जल में सुरक्षा देने के लिए डीप वाटर बैरिकेटिंग, रिवर लाइन्स, SDRF की टीम, NDRF की टीम, जल पुलिस के लोग, फ्लड कंपनीज, जो PSC के जवान होते हैं, जो कुशल तैराक होते हैं, उनका व्यवस्थापन प्रस्तावित है। पूरा माघ मेले क्षेत्र में 24/7 CCTV कैमरों के माध्यम से नजर रखा जाना प्रस्तावित है। जो ICCC है, 24/7 ऑपरेटिव रहता है, जहां से मेले के चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा जो है, चूँकि बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु यहाँ पर आती हैं, जितने भी चेंजिंग रूम्स बनाए जाते हैं उन पर हम लोग सादे कपड़ों में, वर्दी में महिला कर्मियों का व्यवस्थापन करते हैं, महिला अधिकारी लगातार तैनात रहती हैं, इंटेलिजेंस की यूनिट्स अपना योगदान देती हैं, STF की टीम लगी रहती है, ATS के कमांडोज का व्यवस्थापन प्रस्तावित है, RAF की टीम्स का व्यवस्थापन प्रस्तावित है। चूँकि माघ मेला क्षेत्र ज्वलनशील पदार्थों से बनता है, इसके लिए हम लोग 14 फायर स्टेशन, एक फायर स्टेशन अतिरिक्त बढ़ा रहे हैं, वॉच टावर्स बढ़ा रहे हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जा रही हैं। इस प्रकार हम लोग जो आगामी आसन्न माघ मेला है, इसको सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध हैं। अच्छा, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए माँ गंगा का भूमि पूजन संपन्न किया गया और माघ मेले के सकुशल संपन्न होने की माँ गंगा से कामना और प्रार्थना की गई। गौरतलब है कि इस बार 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान होगा, 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान होगा, 9 फरवरी को मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है और महाशिवरात्रि 8 मार्च को संपन्न होगी। आज माघ मेले का सफल आयोजन हो, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो कि हम एक सफल मेले का आयोजन कर पाएँ, जो श्रद्धालु आएँ उनकी पूरी सेवा कर सकें। इस प्रयोजन से आज हमने संगम तट पर यह पूजन किया, और जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभ 2025 से पूर्व यह माघ मेला होगा, तो इस जो कुंभ में कुछ चीज़ें जो हमने प्लान करी हुई हैं उसका हम इस बार यहाँ पर एक बार टेस्ट करेंगे। कुछ अभिनव प्रयोग हैं तो उसका एक बार पायलट रन करा जाएगा, तो उसको भी यहाँ पे करेंगे। और जो सेवा के स्तर हैं, चाहे वो साफ़ सफाई का हो, चाहे वो पानी की सप्लाई का हो, चाहे वो बिजली का हो, वो हमारा प्रयास रहेगा कि जो कल्पवासी आएँ, जो श्रद्धालु आएँ, उनको हम अच्छी सेवा दे सकें। बिजली के क्षेत्र में हम कुछ सोलर यहाँ पे पैनल्स लगाएंगे, इरिगेशन में भी कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह से हम ये रिवर को बचाते हैं ढहने से, उसमें कुछ अभिनव प्रयोग हैं, नई तरह की सामग्री का प्रयोग यहाँ पर इस बार करा जाएगा। और जो सेवा का स्तर है, सफाई का जो मानक है, वो और इस बार कड़े करे जाएंगे। और इस बार जैसे हर बार जो साफ़ सफाई का काम है वो चिकित्सा विभाग करता है, इस बार वो मेला करेगा, क्योंकि ये मेला विभाग ही अपने आप करेगा।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक नया हम इस बार पीपे का पुल इस बार देने वाले हैं, जो पुल नंबर 6 रहेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी इस बार। आप जो बाज़ार लगेगी, जो एक यहाँ पे हाट लगती है, उसका स्वरूप भी हम बदलेंगे और उसको स्वच्छ सुंदर उसको बनाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार माघ मेले को 2025 में आयोजित होने वाले कुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। गौरतलब है कि गंगा पूजन के बाद से ही माघ मेले की तैयारी भी पूरी तरह से तीव्र हो जाती है। यूपी न्यूज 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।